जितने भी इंतखाबात हमारे मुल्क में हुए हैं माजी में, वो सारे तजादात का शिकार हुए हैं। हमेशा हारने वाला हार नहीं मानता और जीतने वाले की जीत मशकूक हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे ये टास्क दिया कि हमने लोकली एक मशीन बनानी है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम इस बहस को ही ख़त्म कर दें कि इलेक्शन फेयर हुआ है या रिग्ड इलेक्शन है। ये जी, मैं वोटर हूँ और मैं आया हूँ, मैं अपना शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे को दे रहा हूँ, इन्होंने वेरीफाई किया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़े हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरा आईडी कार्ड चेक करते हैं और मुझे क्लियर करते हैं कि मैं अपना वोट डाल सकता हूँ। इन्होंने यहाँ से बैलेट का प्रेस किया और मैंने अपनी पसंद के कहीं रेट को देखते हुए इंतखाबी निशान भी है और नाम भी है, तो मैं अपना वोट दे रहा हूँ जी जुबैर जट को, बैट। ये मैंने दबा दिया अपना वोट, ये यहाँ से वोट निकल आया। अब ये मैं पर्ची लेकर और इसको बैलेट पेपर में जो इलेक्शन कमीशन का वो उसमें मैं डाल देता हूँ। अब जब वोटिंग ख़त्म हो गई है तो सारे पोलिंग एजेंट्स को बुला लिया जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे कि जी टाइम वोटिंग का ख़त्म हो गया है, कोई वोटर मौजूद नहीं है, जो पोलिंग स्टेशन है सबकी तसल्ली हो गई। आप इस सील को खोलेंगे जो कि पहले इसमें स्टार्ट था, जब पोलिंग स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने स्टार्ट का बटन दबाया था, अब ये क्लोज का बटन दबाएंगे, अब पोलिंग बिल्कुल बंद हो गई। अब अगर ये भी करना चाहें, स्टार्ट का बटन भी दबाना चाहें दोबारा, तो ये नहीं कर सकते। अब कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स चाहिए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर आप दबाएं रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स में, और ये आपकी उसी वक्त आपके पास पूरा जो भी कैंडिडेट्स थे यहाँ पे, चूंकि जुबैर जट को एक वोट पड़ा था तो सिर्फ उनके आगे एक वोट लिखा हुआ है, बाकी किसी का कोई वोट नहीं था। ये जो लिस्ट है इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेंगे और उसके बाद जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो साइन करेंगे। हमने फिर एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसमें कि जो QR कोड है उसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास उसकी एप्लीकेशन होगी, वो उसको स्कैन करेगा। अब किसी और आम फोन पे करें आप, अब ये है जो एप्लीकेशन के साथ है, वो ज्वाइन किया है आपने, देख लें कि वही रिजल्ट जो कि इसके हैं वही रिजल्ट आए हैं। इसको हमने रिले करना है वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर को, वो फिर एक टेक्नोलॉजी जिसको के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके इस्तेमाल से कुछ सेकंड में ये जो है तो रिले हो जाएगी और पहुंच जाएगी एक बहुत ही छोटी फाइल की सूरत में, किलोबाइट्स में, मेरा ख्याल है किलोबाइट्स में पहुंच जाएगी, तो ना सिस्टम बैठेगा और ना कोई और कॉम्प्लिकेशन आएगी। अगर कोई ये कोशिश भी करे कि वो उसी तरह का वोट पहले तो छपवा नहीं सकता, लेकिन अगर छपवा भी ले तो वो वोट इसलिए काउंट आउट होगा क्योंकि हर वोट के ऊपर एक बार कोड है, वो बार कोड जब आप स्कैन करते हैं तो वो आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ ये बताएगा कि ये इस पोलिंग स्टेशन का बैलेट पेपर है। तो हमें जब पोस्ट ऑडिट इलेक्शन किसी को एतराज हो सकता है तो तब भी ये इंफॉर्मेशन के टाइम और जो पोलिंग स्टेशन है सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन होगी जो कि सबको दिखाई भी जा सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि उसको चूंकि मल्टीपल उसकी लेजर्स होते हैं तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकेगा, ऑल्टर नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जो मसला था RTS का, जिसकी वजह से इसको इस पूरे अमल को एक बदनामी का सामना करना पड़ा, उसका हल भी हमने निकाल दिया है। जब एक वोट डल जाए तो ये मशीन डीएक्टिवेट हो जाती है और जब तक के बैलेट का बटन न दबाएं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो जो इजाजत थी वो एक ही वोट के लिए थी। ये सिर्फ मशीन नहीं, ये पूरी एक सोच की तब्दीली है, उस निज़ाम की तब्दीली है। लोग धौंस के ज़रिए, पैसे के ज़रिए और मुख्तलिफ गैर कानूनी हथगंडे इस्तेमाल करके
वो हारे हुए इलेक्शन को जीत में तब्दील कर देते थे और जीते हुए इलेक्शन को हार में तब्दील कर देते थे। चूंकि एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसमें कि इसका ना कोई इंटरनेट से ताल्लुक है, ना इसका कोई वाईफाई से ताल्लुक है, ना इसका कोई ब्लूटूथ से है, तो ये बैरूनी असरात से ये बिल्कुल मुबर्रा है। दूसरी बात यह है कि इस मशीन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इसमें ना बग्स डाली जा सकती हैं, ना इसको हैक किया जा सकता है। जो कोई बदउनवानी हो सकती है या कोई शैतानी हो सकती है कि कोई इसमें एल्फी डाल दे बटन्स में, तब भी इसकी मशीन की परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कील लगाने की कोशिश करे तो भी नहीं होगा, पिन लगाने की, पानी फेंकने की, कोई और लिक्विड फेंकने की, इसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकता।